प्रथम तहलका न्यूज। जेई और नीट की परीक्षा को रद्द करवाने की मांग तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में आज यानी शनिवार को पंचकुला में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज शांतनु के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन सिटी मैजिस्ट्रेट को सौंपा गया। शांतनु चौहान का कहना था कि प्रदेश के कई नेताओं और मंत्रियों को कोरोना का संक्रमण हुआ है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी से इतनी त्रासदी फैली हुई है, तो वही नीट और जेई की परीक्षा करवा कर भाजपा सरकार 25 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में डालने का काम कर रही है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, सरकार को बच्चों की जिंदगियों के बारे में सोचना चाहिए, सरकार को इस देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल बहरी सरकार है। शुरू से जिस दिन से 6 साल से बनी है, छात्रों के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे छात्र डीमोरलाइज हो जाए। ये जो जेई यानी कि एग्ज़ाम के पोस्टपोन करने के संबंध में आज हमारे दो साथी इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, मनोज लुभाना जी और राहुल जी, इसलिए बैठे हैं कि ये सरकार की इनकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे। हम लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं दिल्ली से लेके पूरे देश में, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के आदेश पर पूरे देश में ऐसे प्रोटेस्ट प्रदर्शन धरने इंडेफिनिट स्ट्राइक हो रही हैं। शांतनु चौहान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस ने पंचकुला में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का पुतला फूंकना था, लेकिन भाजपा सरकार ने ब्यूरोक्रेट और ऑफिसर्स के माध्यम से दबाव डलवा कर पुतला फूंकने से रोकने को लेकर नोटिस भिजवा दिया। तो मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार को ये इन पेपर्स को पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि कहीं बाढ़ आई हुई है, किसी जगह पे आप देख लीजिए रहने का अरेंजमेंट नहीं है, किसी जगह ट्रांसपोर्ट बंद है और तरह तरह के, और उसके बाद हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, हम टेस्ट नहीं करवा पाएंगे इतने बच्चों के एग्ज़ाम से पहले। 25 लाख बच्चों का टेस्ट जो है कोरोना टेस्ट कैसे होगा? तो क्यों हम बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसा मोदी सरकार को नहीं चाहिए। उनको थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि इस देश का भविष्य है यही छात्र हैं, इस देश का भविष्य यही बच्चे हैं जिनको आप मौत के मुंह में भेजना चाहते हो। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा पार्टी के कार्यक्रम सभी जगह पर हो रहे हैं और भाजपा पार्टी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ तमाम एहतियातों को नहीं बरत रही, तो फिर उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? प्रथम तहलका के लिए पंचकुला से उमंग शोरान की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।